Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. इस फिल्म की कहानी का मकसद बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना है, या फिर जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर इसी तरह के हालातों से लड़ने और संभलने की शक्ति देना है जो उन्हें अंधविश्वास से लड़ने, मुकाबला करने और झुठलाने के काबिल बनाएगी। फिर चाहे वो आज के दौर का कोई चलता फिरता रॉबर्ट, कंप्यूटर खिलौना या कोई अनहोनी गुड़िया ही क्यों ना हो। Thank you.
इस शोर को सुनने के बाद भी तुम सवाल करके खड़े हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दोबारा याद दिलाया जाए कि यहाँ बार मातम क्यों किया जा रहा है? जिन छातियों में आग लगी होती है ना सर, वो मातम ही करती है। और तुम मातम का ये शोर सुनकर अपने आप को सिगरेट के धुएं के पीछे छुपा रहे हो। सिगरेट का धुआं तो मेरी जाती जिंदगी है सर। यादव, ये केस तुम्हारे पास है, ये फाइल तुम्हें दी गई है। जानता हूं सर, लेकिन ये फाइल मेरे हाथों में कुछ दिन पहले ही आई है और बच्चे कई महीनों से अगवा हो रहे हैं। तो तुमने अब तक क्या किया है? फाइल की छानबीन करने के बाद में सर, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सारी किडनैपिंग्स जो हो रही हैं, ये पूर्णमासी की रात के आसपास हो रही हैं, और जो कोई भी ये कर रहा है वो किसी खास मकसद के लिए कर रहा है, क्योंकि उसने आज तक बच्चों के माँ बाप से कोई पैसों की डिमांड नहीं की है। और अगवा किए बच्चों में से कई बच्चे ऐसे हैं इनके माँ बाप बहुत मामूली, बहुत ही गरीब हैं। मुझे तो डर यह लगता है सर, शायद वो बच्चे आज जिंदा ना हो। मेरा तो यही ख्याल है सर। यादव, अगर उन बच्चों को कुछ हो गया ना, तो लोग हमारी बूटी बूटी नोच लेंगे और मैं सारा इल्जाम तुम पे लगाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना सर कि फाइल अभी अभी मेरे हाथों में आई है। मैं भी इंसान हूं, कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। इंसानी ताकत के मुताबिक मैं वो सब कर रहा हूं जो कर सकता हूं। वन मोर थिंग सर, यादव ने आज तक ना तो अपनी वर्दी और ना अपनी नौकरी को तमाशा बनाया है, और ये सारा डिपार्टमेंट जानता है कि काम ही मेरा जुनून है। बच गए, कल नहीं बचेंगे। देख चन्नी, मेरे को तेरे काले जादू के धंधे में सिर्फ फांसी का फंदा दिखाई देता है। अब भी मौका है, बचकर निकल चलते हैं। सोच ले, बारह पूर्णमासी की रातों को बारह बच्चों की बलि चढ़ाने के बाद अब कहां लौटेगा? एक रात की बात है, उसके बाद सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में, सिर्फ एक बच्चा और। नहीं चन्नी, मुझसे नहीं होगा ये काम। बेवकूफ मत बन, मैं कामयाबी देख रहा हूं, आने वाले वक्त को देख रहा हूं। और उस भिखारन ने जो हमें देख लिया है उसका क्या होगा? वो हम दोनों को पहचान सकती है। ये काम मैं नहीं करूंगा। जग्गो, मोक्ष, अब तुझे पहचान कर भी कोई नहीं पहचानेगा। अच्छी तरह पहचान लिया साहब उसको,
कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। गुड, अब अच्छी तरह याद करके मुझे उसका हुलिया बताओ। उसका हुलिया? हाँ साहब, उसकी बहुत ही भयानक शक्ल थी साहब, सब मोटी मोटी लाल आंखें, घनी भावे जटाओं वाले बाल साहब, सब उसकी मोटी नाक थी साहब, सब हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है साहब, मोटी मोटी आंखें, हाँ घनी भावे। यही है वो आदमी? हाँ, हाँ साहब, साहब बिल्कुल यही आदमी, साहब यही था आदमी वो। एक्सलेंट, यही था। गुड जॉब डिकॉस्टर। थैंक यू सर। अब इसी तस्वीर की कॉपियां बनाकर सारे शहर में चिपका दो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपोट, हर जगह इस आदमी के लिए कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। अब ये आदमी हमसे ज्यादा दूर नहीं। आज की ताजा खबर, शहर में बच्चों का अपहरण, शहर में बच्चों का अपहरण, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। और माचिस देना। साहब, साहब माचिस तो नहीं है। नहीं है? कमाल है, चलो आगे देखते हैं। जी। तुम्हें मालूम है मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूं, माचिस रखनी चाहिए। कमाल, सुनिए, आपके पास माचिस होगी? Thank you.
अपनी आत्मा तेरे नाम ताम ताम धीम ताम। काली काली रात का फन है, जीवन सारा तुझको अर्पण है।
पीलो काला अरहर काला मेरे खून का तू रखवाला खून के भर भर दे तू जाम भीम भीम ताम ताम शमशान की राख चमगादड़ की आग उल्टे मंत्र काले जंतर चकर चकोरा हड्डी का कटोरा धुआं धुआं शाम शाम धीम धीम ताम ताम सर इस हादसे में कितने लोग मरे एक कौन सा हो बच्चे अगवा करने वाले चन्नी की मौत हुई कुछ डिटेल में बताइए ना सर डिटेल रिपोर्ट आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाएगी साहब जी इस बच्चे के घर पे तो कोई नहीं है कोई नहीं है क्या मतलब मेरा मतलब है कि इसकी सिर्फ एक बहन है जो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है वो कोई पाटकर हॉल गई है शो के लिए वो अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर शो देखने गई है शो देखने नहीं साहब शो करने गई है Music. I love the heat in music. 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 I love.
की अब कोई बात नहीं है। अब? आपका भाई राजू आज स्कूल से किडनैप हो गया था। बहुत बहादुर है ये। इसी की वजह से आज वो दरिंदा कानून के शिकंजे में आ गया। ओ गॉड, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। यू डोंट हैव टू वरी, अब कोई डर नहीं है।
थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच. माय प्लेजर. बाय बाय. बाय बाय. बाय राजू. इस केस की फाइल में क्या लिखना है साहब? लिख दो केस क्लोज्ड. आप अपने भाई को भी साथ ले चलिए, चार पांच घंटे की तो बात है. नहीं सोम जी, ये मुमकिन नहीं है. स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपना स्कूल मिस करे. तो आप उसे किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास छोड़ जाइए. रिश्तेदार तो इस शहर में अपना कोई नहीं है. रही बात दोस्तों की, वो भी ठीक नहीं लगता. किसी को परेशान करना मुझे पसंद नहीं है. सोम जी, मुझे अफसोस है, मैं आपका ये शो नहीं कर पाऊंगी. करिश्मा जी, पब्लिसिटी हो चुकी है कि आप शो पर आ रही हैं. लोग आपकी राह देख रहे होंगे और हम शो की पूरी कीमत देने को तैयार हैं. लेकिन मैं राजू को अकेला कैसे छोड़ दूं? रात भर की तो बात है, कोशिश करें आप उसे किसी के पास रख सके. मैं आपको सारे रुपए एडवांस में दे देता हूँ. मुझे उम्मीद है कोई ना कोई हल निकल आएगा. रुपए रहने दीजिए सोम जी, प्लीज मुझे सोचने का थोड़ा मौका दीजिए. अरे बाबा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैं रह जाऊंगी राजू के साथ, एक ही रात की तो बात है ना. वो तो ठीक है मोना, लेकिन राजू के टेस्ट हो रहे हैं. देखो, ऐसा है कि मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ. हाँ, लेकिन इतना नहीं कि राजू को PhD की डिग्री की थीसिस लिखवा सकूं. ओह शट अप मोना, हद हो गई. एक तो किसी की मदद करो, ऊपर से शुक्रिया की बजाय शट अप सुनो. आई एम सॉरी मोना, मैं वाकई तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ. राजू के साथ रहकर तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करोगी. एहसान? कह देना वही बात. सच कह रही मोना, मेरा शो पर जाना बहुत जरूरी है. इन रुपयों से मेरे भाई की तालीम का खर्चा तो चलता रहेगा. तुम शो पर जाने की तैयारी करो. राजू की चिंता बिल्कुल मत करो. मैं वादा करती हूँ कि राजू को तुम्हारी कमी बिल्कुल नहीं महसूस होने दूंगी. थैंक यू सो मच. मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा. राजू मेरी बात तो सुनो. मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा. ठीक है, मत सुनो मेरी बात, कर लो अपनी जिद पूरी. नहीं जाऊंगी मैं शो पर, कहीं नहीं जाऊंगी. अब मैं बैठी रहूंगी दिन रात तुम्हारे पास, कोई काम नहीं करूंगी. ओके. सॉरी दीदी, मैं मोना दीदी के साथ रहूंगा, प्रॉमिस. राजू मेरे भाई, मैं तो खुद तुझे एक पल के लिए भी दूर नहीं रख सकती, लेकिन क्या करूं, मजबूर है तेरी बहन. अगर शो पर नहीं जाऊंगी तो कहां से घर चलेगा अपना, तेरी स्कूल की फीस और बाकी के खर्च कैसे पूरे होंगे. दीदी अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा और चॉकलेट भी नहीं मांगूंगा. अरे नाराज हो गया तू? नहीं तो. तो फिर क्यों नहीं मांगेगा अपनी दीदी से? तू ही तो दीदी का सहारा है. राजू भैया को सब कुछ मिलेगा, कपड़े, चॉकलेट, साइकिल और खिलौने. लो बाबा बंदूक लो, बहुत अच्छा माला, बहुत बढ़िया माला, ले लो. राजू चाहिए? नहीं. क्या हुआ, नहीं चाहिए? आइए आइए बहन जी, माधव की दुकान पे आइए, खिलौने लीजिए. मुझे ये गुड़िया चाहिए. गुड़िया? लेकिन ये तो लड़कियों के खेलने के लिए है. मगर ये बोलती भी है. ले लो बहन जी, शानदार गुड़िया है, रस्ते का माल, सस्ता है, बार बार नहीं मिलता जी. कितने की है? 125 रुपए की. 125? नहीं 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 चाहिए, बहुत महंगी है. मुझे यही गुड़िया चाहिए दीदी. अरे बहन जी ले लीजिए ना, बच्चे की खुशी के लिए. चलो 100 रुपए कर देते, ठीक है? अब तो ले लो ना दीदी. ये लो बेटा, ले रही हूं. माधव की दुकान पे. अब तो खुश हो? हाँ दीदी. चलो घर चलते. तुम्हें तो लड़की ही होना चाहिए था. क्यों? गुड़ियों के साथ लड़कियां ही खेलती हैं, पता है? लेकिन ऐसी गुड़िया के साथ तो लड़के भी खेलते हैं. अच्छा, ऐसी कौन सी खास बात है इस गुड़िया में? लो बात करो. मैं बात करूं? हाँ हाँ, इसे अपना नाम बताओ. अच्छा, मेरा नाम करिश्मा है. मेरा नाम चन्नी है, मुझे दोस्ती करोगे? करिश्मा वाकई कमाल की गुड़िया है. करिश्मा 7 बज गए, तुमने अभी तक तैयारी नहीं की, बाहर टैक्सी वाला खड़ा है. अरे बाबा मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, फिर जल्दी करो ना. अच्छा राजू, दीदी को तंग मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी. दी, इस गुड़िया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. पगला कहीं का. अच्छा मोना, अपना ख्याल रखना और बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज अभी बकवास बंद करो और जल्दी जाओ. ओके बाय. बाय. बाय राजू. बाय दीदी. ड्राइवर से कहना आराम से जाए, बाहर मौसम बहुत खराब है.
बाबा तो राजू भैया, हम भी तो देखें कैसी है आपकी गुड़िया। वाह वाह। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज पटना में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। राजू चलो उठो, बहुत देर हो गई है, चलकर सो जाओ। थोड़ी देर और खेलने दो ना दीदी, चन्नी कहता है इसे खबरें सुननी है। नहीं राजू, बहुत देर हो गई है, चलो। गुड बॉय, आओ। तुम बैठो, मैं कपड़े निकालती हूँ। ये लो, इसे पहनो और जल्दी से सो जाओ। टेस्ट है ना कल सुबह। अच्छा दीदी, देखो बदमाशी नहीं करना। गुड नाइट। सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज बम्बई में पिछले कई महीनों से बच्चों को अगवा करके दहशत फैलाने वाला कल रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। वो उस वक्त पकड़ा गया जब वो एक और बच्चे को अगवा करके ले जा रहा था। इंस्पेक्टर यादव ने इस शख्स का नाम चरणदास बताया है। जिस वक्त इंस्पेक्टर यादव ने चरणदास को ललकारा तो वो बच्चे को छोड़कर एक खिलौनों की दुकान में दाखिल हुआ, जहां वो पुलिस के हाथों मारा गया। राजू, राजू, जी दीदी। राजू, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था या टीवी ऑन करने के लिए कहा था? टीवी? पर मैं तो अपने कपड़े बदल रहा था। झूठ मत बोलो राजू, अगर तुमने टीवी ऑन नहीं किया तो क्या वो खुद ब खुद ऑन हो गया? तुम्हारी ये गुड़िया क्या खुद चलकर बाहर गई और सोफे पे चढ़कर बैठ गई? दीदी मैं सच कह रहा हूँ, जरूर चन्नी ने ऑन किया होगा, इसे खबरें सुननी थी। राजू मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो लेट जाओ, चलो चलो सो जाओ। दीदी चन्नी, ये लो, चुपचाप सो जाना। हाँ अच्छा। मैंने कहा था ना मोना दीदी नाराज हो जाएंगी, चलो सो जाओ।
करिश्मा बोल रही हूँ। हाँ करिश्मा बोलो, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब सब ठीक है। सब ठीक है तो तुझे क्या हुआ, घबराई हुई लग रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम सुनो, तुम्हारे शो का क्या हुआ? बस शुरू होने वाला है, थोड़ा वक्त था तो सोचा फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लो। मेरी या राजू की? दोनों की। हम तीनों बिल्कुल ठीक ठाक है। तीनों? कौन तीनों? एक मैं, दूसरा राजू और तीसरा तुम्हारा नया रिश्तेदार चन्नी। ओ थैंक यू मोना। फिर वही बकवास, अब फोन बंद करो और शो में ध्यान लगाओ। हाँ ओके बाय बाय। आप अंदर नहीं जा सकती, ये मेरा घर है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए इमीडिएटली। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी एक्सक्यूज़ेस, अंडरस्टैंड? ये सब क्या हो रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर विजय। राजू मेरा भाई कहाँ है? अपने कमरे में है। राजू दीदी, राजू दीदी तू ठीक तो है ना? शुक्र है भगवान का तू ठीक है। क्या बात है, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? जी हाँ एक्सीडेंट, आपकी सहेली मोना का। मोना का क्या हुआ उसे, कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। कहाँ है मोना? मुझे अफसोस है करिश्मा के तुम्हारी सहेली मोना अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ I'm sorry, किसी ने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। What? I mean, हो सकता कि वो खुद खिड़की से कूदकर गिर गई हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए मेरे साथ। क्या बता सकती हैं कि ये निशान कैसे हैं? नहीं, ये आटे पे छोटे छोटे जूतों के निशान हैं मैडम। चन्नी जानना चाहता है ये क्या हो रहा है। चन्नी? कौन चन्नी? मेरी गुड़िया। राजू तुम अपने कमरे में जाओ। राजू
एक मिनट राजू बेटा, तुम जूते कौन से पहनते हो? इंस्पेक्टर तुम गलत सोच रहे हो। देखिए मैडम, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तुम मेरे भाई पर शक कर रहे हो। देखिए मैं किसी पे शक नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। और फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जूतों के निशान किसके हो सकते हैं। मैं बताता हूँ। राजू तुम्हें मालूम है वो जूतों के निशान किसके थे? हाँ मुझे मालूम है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम राजू, मैंने कह दिया ना, एक बार कमरे में जाओ, कम ऑन गो। प्लीज हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, आपका काम हो गया ना, मेहरबानी करके इन सबको यहाँ से निकालिए। ओके लेट्स गो, कम ऑन। ये हालत कर दी तुमने मेरे भाई की, हमें और परेशान न कीजिए। ओके बहुत कड़क छोकरी है साहब, इसे तो हमारी जगह पुलिस में होना चाहिए। छोटे इसे संभालो। हथौड़ी? इतनी छोटी हथौड़ी, इसे तो अगर कील पे मारेंगे कील भी शर्मा जाएगा क्या? छोटे इसका टेस्ट लेना है जी, ताकि हमें कातिल की उंगलियों के निशान मिल सके। और हाँ जी, पोस्टमार्टम और उंगलियों के निशान की रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए, समझे? जी अच्छा, ये हथौड़ी तो मच्छर नहीं मार सकती, खून क्या करेगी? बेचारी मोना को क्या हुआ? मर गई। एक ही तो सहेली थी मेरी, कितना सहारा था मुझे उसका, कितना प्यार करती थी वो तुझे। क्यों चली गई वो, क्यों चली गई? उसका जाना बहुत जरूरी था, चन्नी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। चन्नी कह रहा था कि उसका मर जाना ही अच्छा था। राजू ऐसी बातें नहीं करते, कौन सिखाता ये तुम्हें? चन्नी मेरी गुड़िया। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, चन्नी सिर्फ एक खिलौना है, समझे? चलो दीदी गुड़िया ले लूं। हाँ मैंने तो सच बोला था, देखा चन्नी मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बोलो बोलते क्यों नहीं, बोलो बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो, बोलो। मेरा नाम चन्नी है, मुझसे दोस्ती करोगे? Thank you.
के निकली है मेरी लैला मेरी लैला मेरी लैला के लोगों को पसीना मुझको जीना आ गया जिसे देख के मुझको जीना आ गया आज सज के निकली है मेरी लैला मेरी लैला ओ लैला के लोगों को पसीना आ गया के लोगों को पसीना मेरा जाना जरूरी है तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा भाई मैंने डैडी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है अब अगर वो खुद तुमसे मिलना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ तुम तो साथ में रहोगे ना जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया है करिश्मा फिर भी ये सवाल एक काम करते हैं हम दोनों डैडी के सामने जाएंगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे खड़े क्यों हो बैठ जाओ जी बैठो ना विजय बेटे तुम जरा कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ अगर तुम सामने रहोगे तो ये खुलकर बातें नहीं करेगी और हम चाहते हैं कि हम ढेर सारी बातें करें एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें पहचान लें है ना जी ओके डैडी गुड बॉय बहुत ही अच्छा लड़का है विजय बहुत ही नेक फरमाबरदार खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद अच्छी हो हाँ क्या नाम बताया तुमने जी करिश्मा ओ हाँ करिश्मा तुम्हारे माँ बाप नहीं है जी एक छोटा भाई है जी गुजारा कैसे चलता है जी मैं स्टेज शोज करती हूँ डांसर क्लासिकल जी क्लासिकल तो सीख नहीं पाए बस यूं ही गुजारे लायक कुछ लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैं बहुत अच्छे पढ़ने का शौक है जी हाँ तुम्हारी उम्र की लड़कियां इस उम्र में मिल्स एंड बूंसी पढ़ती हैं रोमांटिक कहानियां उम्र ही ऐसी है अच्छा कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे तुम और विजय किसी एक ऐसी ही कहानी के किरदार हो है ना जैसे गरीब बेसहारा अनाथ गुमनाम सी लड़की जो स्टेज पर नाचकर अपना अपने छोटे भाई का पेट पालती है और अचानक उसकी जिंदगी में एक दिन विजय सक्सेना जैसा नौजवान आता है जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है करोड़पति माँ बाप की इकलौती औलाद जी बिल्कुल फिल्मी कहानी लगती है ना फिल्में देखती हो हाँ कभी कभी जो बातें फिल्मों में होती हैं वो हकीकत में नहीं होती है।
सच है ना? इसलिए जो चीज मुमकिन नहीं है उसके बारे में सोचने से फायदा क्या? जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं तो समझा था कि तुम मेरी हर बात समझ गई होगी। खैर अगर तुम चाहती हो कि मैं हर बात खोलकर कहूं तो कान खोलकर सुन लो। विजय का बाप होने के नाते मैं उसकी जिद सुन तो सकता हूं लेकिन मान नहीं सकता। विजय चाहता था कि तुमसे मैं एक बार मिलूं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद तुम विजय से नहीं मिलोगे, क्योंकि विजय की शादी एक ऐसे घराने में होगी जहां उसके बराबर के लोग होंगे। मेरे बेटे की शादी एक ऐसे इज्जतदार घराने में होगी जहां इज्जतदार घराने की बेटी जो दहेज में करोड़ों रुपया लेकर आएगी। बेवकूफ है विजय, जो एक ऐसी लड़की को लेकर आया है जो बदनामी के साथ साथ दहेज में अपना एक भाई भी लेकर आई। ए करिश्मा क्या हुआ, तुम रो रही हो? बड़े लोगों का नाम तो सुना था, मिलने का शौक भी था, लेकिन आज पता चला ये बड़े लोग कितने छोटे होते हैं। साहब आप रात भर सोए नहीं? अरे सुबह हो गई। ओके बाय दीदी। सुनो तेरा ध्यान से पढ़ना है। गिव मी अ किस। जी बाय। Johnny! Johnny!
चन्नी कहाँ चला गया? मेरे भाई को स्कूल से पुलिस स्टेशन लाने की क्या जरूरत थी? स्कूल से नहीं, बोरीवली से। What? इसे तो मैं खुद स्कूल छोड़कर आई थी। जी हाँ, लेकिन ये स्कूल से निकलकर सीधा इंस्पेक्टर यादव के घर बोरीवली पहुंच गया और वहां जाकर इंस्पेक्टर यादव का बड़ी बेदर्दी से खून कर दिया। क्या? What nonsense? मेरा भाई और इंस्पेक्टर का खून? एक छोटा सा बच्चा खून कर सकता है? राजू तुम खामोश क्यों खड़े हो? कहते क्यों नहीं कि तुम स्कूल गए थे? बोलो राजू, जवाब दो। ये क्या बोलेगा? इसे तो मैं खुद मौका वारदात से उठा कर लाया था, पूछ लो इसे। राजू, तुम और बोरीवली में? हाँ दीदी, ये गुड़िया मुझे वहाँ लेकर गई थी। गुड़िया 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 ने कहा था वहाँ जाने के लिए? हाँ। झूठ मत बोलो राजू। हाँ, गुड़िया ने कहा था मुझे वहाँ जाने के लिए। बोलो दोस्त, बोलो। बोलते क्यों नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं राजू? बोलो राजू। देख लिया आपने इस बच्चे की क्या हालत कर दी आप लोगों ने? और जो हालत इस बच्चे ने इंस्पेक्टर यादव की है वो आप देख भी नहीं सकती। ओ शट अप, एक मासूम बच्चे पर खून का इल्जाम लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? भाई, जो आप अच्छी तरह से समझ रही हैं, आपके अपने ही घर में आपकी अपनी ही सहेली मोना का खून हुआ, कौन मौजूद था वहाँ? सिर्फ ये मासूम राजू। स्कूल छोड़ने गई थी ना आप इसे, कहाँ मिला ये हमको? बोरीवली में इंस्पेक्टर यादव के घर के बाहर। क्या साबित हुआ इन सब बातों से, बोलिए। साबित हुआ नहीं, लेकिन तुम साबित कर दोगे कि एक छोटा सा बच्चा एक खूनी है, कातिल है, जो अपनी उम्र से 10 गुना बड़े लोगों को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो कानून के जिम्मेदार इंस्पेक्टर का खून कर देता है। तो ठीक है, चढ़ा दो इस बच्चे को फांसी के तख्ते पर और अपनी वो हसरत भी पूरी कर लो जो तुम्हारे डैडी भी न कर सके। करिश्मा, अगर मैंने तुम्हारे खानदान का कुछ बिगाड़ा था तो मुझसे बदला लिया होता, लेकिन मेरे छोटे भाई ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? अरे, मैं तो तुम लोगों से भागकर बहुत दूर चली आई थी। मुझे क्या पता था कि तुम यहां तक मेरे पीछे आओगे। मैं यहां से चली जाऊंगी, मैं ये शहर छोड़ दूंगी मैं ये शहर। ये शहर तो क्या, तुम्हें ये मोहल्ला छोड़ने से पहले भी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। Is that clear? आज से तुम्हारा बाहर जाना, खेलना, सब कुछ बंद, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, समझे? दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, ये चन्नी मुझे खुद। चन्नी बोल नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे इस झूठ की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है जानते हो? दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रहा दीदी। ठीक है, बोलते रहो झूठ। दीदी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, चन्नी ने खुद कहा था मुझसे जाने के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दीदी, दरवाजा खोल दो। दीदी, दीदी प्लीज, मैं सच बोल रहा हूँ। दीदी, दरवाजा खोल दो। दीदी, दरवाजा खोल दो। राजू, राजू, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। अगर ये फाइल मैंने अपने सीरियस के सामने रख दी तो क्या होगा? You think, number one, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी वर्दी उतर जाएगी, and number two,
पागल खाने में हम दोनों की एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। लेकिन सर ये एक हकीकत है। हकीकत माय फुट। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि 6 साल का बच्चा खूनी है? वो बच्चा जो ठीक से चॉकलेट तक नहीं पकड़ सकता, यादव जैसे जिम्मेदार और होशियार ऑफिसर का खून कर सकता है? नो नो सक्सेना। दिस इज अ फैक्ट सर। सक्सेना, मेरा ख्याल है तुम थक चुके हो। मेरी राय मानो, कुछ दिन की छुट्टी लो और आराम करो, और जब तुम्हें ऐसे फजूल सपने आने बंद हो जाएं, तब ड्यूटी पर वापस आ जाना। तब तक ये फाइल मैं किसी दूसरे ऑफिसर को देता हूं। नो सर, सर आप मुझे एक मौका और दीजिए, थोड़ा सा वक्त प्लीज। ओके, लेकिन एक शर्त पर, इस तरह की बेहुदा कहानियां मैं दोबारा नहीं सुनूंगा, अंडरस्टैंड? जी सर। और सुनो, इससे पहले कि ऊपर से पूछताछ शुरू हो जाए, ये फाइल मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। राइट सर। जा सकते हो। पहुंचने में देर हो जाएगी, चलो कम ऑन। ए, पैसा देना, बहुत भूख लगी है, पैसा हाथ देना। हटाओ। अरे हाथ हटाओ, बहुत भूख लगी है, पैसा देना। माफ ए, ए, पैसा देना, ए, पैसा देना, बहुत भूख लगी है, ए, 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 पैसा देना, पैसा देना। आज की ये करिश्मा म्यूजिकल नाइट महाराजा व्हाइट लाइन की तरफ से पेश की जा रही है। दूरी बहुत सी है यहाँ सूरत पूरी, मुख में राम बगल में चूरी, कर लेने दो मुझे बात मेरी पूरी, वरना जिंदगी रह जाएगी अधूरी। Faces everywhere, everywhere, everywhere. देखो, देखो मैं हूँ करिश्मा, मेरी गादी निगाह है, जाने रे वादा। Faces, faces everywhere, everywhere, everywhere.
faces everywhere, everywhere, everywhere. Faces everywhere, everywhere, everywhere. Batke, 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 watch out. Batke, 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 watch out. You don't believe what I have to say. Let me tell you what could happen today. Daggers in the back, red blood on the deck. Wolves in the pack, come back, come back. Baby, baby, baby doll is a clue that stands out oh so tall. What the hell's the matter with you, man? You could be dead on the count of ten. Faces everywhere, everywhere, everywhere. Faces, faces everywhere, everywhere, everywhere. एक खून और मिस करिश्मा। खून? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। सोचने की बात है मिस करिश्मा। अगर तुम स्टेज पर थी तो तुम्हारी कार कौन ले गया? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, राजू कार का स्टीयरिंग नहीं घुमा सकता, वो कार क्या चलाएगा? ओके, तो फिर कौन चला रहा था कार? गुड़िया चला रही थी। ओफो, देखो राजू, हम सब जानते हैं कि ये एक बेजान सी गुड़िया है, खिलौना है बच्चों के खेलने का, जो ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ कर सकती है। ये बोल भी सकती है और कार भी चला सकती है। राजू, प्लीज कमिश्नर साहब, मेरे भाई को जाने दीजिए। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है कि ये बच्चा मासूम है। पुलिस की इस तरह के हरकतों ने उसके दिमाग पर कितना बुरा असर डाला है। राजू शो में मेरे साथ था सर। ओके, अगर वो शो में तुम्हारे साथ था तो फिर गेटमैन ने किसे बाहर जाते हुए देखा था? कौन था वो जो शो खत्म होने से थोड़ी देर पहले ही वापस लौट आया था? और कौन था वो जिसके हाथ में गुड़िया थी? इतनी सारी भीड़ में गेटमैन ने किसी और की तरफ इशारा क्यों नहीं किया? क्यों सिर्फ राजू को पहचान लिया उसने? जवाब है तुम्हारे पास? हो सकता है ये तुम्हारी कोई साजिश हो। बस करिश्मा, इसमें ना तो कोई साजिश है और ना ही इनमें से किसी की तुम्हारे भाई के साथ कोई जाति दुश्मनी है। राजू को सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि हम असलियत जान सके। आई नो, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि इतना मासूम बच्चा ऐसी हरकत कर सकता है, बट देन व्हाट कैन आई डू? तमाम सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब जब खून हुआ है राजू वहां मौजूद था। देखो बेटे, हम पुलिस वाले भी इंसान हैं, छोटे और बड़े का फर्क समझते हैं। हम राजू पे कोई सख्ती नहीं कर रहे, उसे सिर्फ इसलिए यहां लाया गया है ताकि वो पुलिस की ऑब्जर्वेशन में रहे और हम असलियत जान सके। Have faith in me, बेटे,
राजू यहाँ बिल्कुल उसी तरह रहेगा जैसे वो अपने घर में रहता है। तो ठीक है, मैं भी यही रहूंगी। Why don't you try and understand, Miss Karishma? अगर तुम यहाँ रहोगी हमारे काम में रुकावट होगी। और फिर एक ही रात की तो बात है बेटे, मुझ पे भरोसा करो, मैं कल सुबह खुद राजू को घर पहुंचा दूंगा, आई प्रॉमिस यू। राजू डरना नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस सवेरे तुम घर आ जाओगे, ठीक है? बहादुर है मेरा भाई। एक्सक्यूज मी, गुड बॉय बेटे, गुड बॉय सक्सेना। जी सर। बच्चे का ख्याल रखना। जी सर। गुड नाइट बेटे। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट सर। दोस्त समझता है, तुम क्यों उसकी दुश्मन बन गए हो? वो कहता है कि चन्नी मुझसे बात करता है, अगर तुम उससे बात करते हो तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूं, मुझसे भी अपनी कुछ बातें करो, मुझसे भी कुछ कहो, बोलो बोलो ना। मेरा नाम चन्नी है, मुझसे दोस्ती करोगे? बस बस बस, अब मैं अपने हाथ से खाना खा लूंगा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं।
डॉक्टरी के ये गुड़िया बोल कैसे सकती है? लड़की क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? राजू बिल्कुल निर्दोष है, वो सच कह रहा था कि गुड़िया बोल सकती है। क्या कहा गुड़िया ने कि चलो आज मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं। तुम भी करिश्मा कमाल करती हो। तुम क्या समझते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? अपने भाई को बचाने के लिए कोई मन घड़त कहानी सुना रही हूँ? वो कोई मामूली गुड़िया नहीं है विजय, वो बिना बैटरी के भी बोल सकती है। मेरी बात का विश्वास करो विजय, जब मैंने देखा कि वो बिना बैटरी के भी बात कर सकती है तो मैंने असलियत जानने के लिए उसको मारने के लिए चाकू उठाया। और तब क्या हा? और तब उस गुड़िया ने मुझ पर हमला किया। ओह कम ऑन करिश्मा, कानून तो क्या, कोई भी तुम्हारी इस बेबुनियाद बात पर विश्वास कभी नहीं करेगा। ये बेबुनियाद बात नहीं है विजय, तुम्हें सबूत चाहिए ना? हाँ ये देखो। ये क्या है? गुड़िया के दांतों के निशान। फॉर गॉड से करिश्मा, फॉर गॉड से बंद करो अपना ये ढोंग और ये नाटक। अपने भाई को बचाने के लिए तुमने खुद को जख्मी कर लिया। मैं सच कह रही हूँ, ये गुड़िया के दांतों की निशानी है, वो मुझे भी जानते मार डाला। जस्ट शट अप नाउ, बहुत हो गया। मैं तो समझता था कि तुम्हारे छोटे भाई के दिमाग पर कुछ असर हुआ है, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ हाँ पागल हो गई हो। घर जाकर आराम करो करिश्मा, तुम अपने होश में नहीं हो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। डोंट टच मी, और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, अंडरस्टैंड? क्या हो गया इसे? क्या समझता है वो अपने आप को? सोचता है मैं अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही हूँ? देख लूंगी उसे, देख लूंगी। सुनिए, वहां
पर जो खिलौने वाला बैठता है वो कहाँ मिलेगा? कौन, माधव? हाँ। वो तो आगे की झोपड़ पट्टी में रहता है मैम साहब। इतनी रात गई कौन सा खिलौना ढूंढ रही है? कौन है बे? माधव खिलौने वाला है? खिलौने वाले तो हम सब हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं। अच्छा हुआ तो आ गई। छोड़ दो मुझे। सारा खेल तो क्वीन का है, डाल दो इसे बोर्ड पे। छोड़ दो मुझे। पहले हमारा खेल तो हो जाने दो। पीछे। रात को यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, मैं माधव खिलौने वाले को ढूंढने आई थी। अब ये माधव खिलौने वाला कौन है? माधव मेरा नाम है मेम साहब। तुम्हें याद है मैंने अपने भाई के साथ तुम्हारी दुकान से गुड़िया खरीदी थी, बोलने वाली गुड़िया, याद है तुम्हें? अरे हाँ, उसी वक्त तो खरीद के लाया था मैं। कहाँ से खरीदी थी तुमने? मेम साहब वो गुड़िया तो मैंने नीलामी में खरीदी थी और उस स्टोर से खरीदी थी जिसमें आग लग गई थी। कौन सा स्टोर, क्या नाम था? वो ग्रीन कार्ड। हाँ बिल्कुल, ग्रीन कार्ड स्टोर। ग्रीन कार्ड। तुम ग्रीन कार्ड स्टोर के नाम से चौंके क्यों? इसलिए कि उसी स्टोर में बच्चों को अगवा करने वाला तांत्रिक मारा गया था। तांत्रिक? इंस्पेक्टर यादव? हाँ वही, यू राइट। बच्चों को अगवा करने वाला तांत्रिक ग्रीन कार्ड स्टोर में इंस्पेक्टर यादव के हाथों मारा गया था ना? हाँ। सारा स्टोर तबाह हो गया, वहां से गुड़िया माधव खिलौने वाला खरीदता है और माधव से ही गुड़िया मैं खरीद। करिश्मा प्लीज, फॉर गॉड सेक। विजय तू मेरी बात गौर से सुनो। गुड़िया मेरे घर में आती है और उसी रात मेरी सहेली की मौत होती है और तुम मेरे भाई पर शक करते रहे। याद करो उस कमरे में छोटे छोटे पैरों के निशान। जिस वक्त इंस्पेक्टर यादव की मौत हुई थी उस वक्त चनी विवाह मौजूद था। उस गुड़िया ने इंस्पेक्टर यादव को मारकर तांत्रिक की मौत का बदला लिया है। विजय, उस गुड़िया और तांत्रिक का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। करिश्मा तुम्हारी इन बातों का विजय, तुम्हें मेरी बातें सुननी होंगी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते विजय? किस बात का गुस्सा है तुम्हें मुझ पर? मैंने तो वही किया था जो तुम्हारे डैडी चाहते थे।
मैंने तो उन्हें उनका बेटा वापस दिया था। तुमने तो उनका बेटा उन्हें वापस कर दिया करिश्मा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस घर की तरफ कभी पलट कर नहीं देखा। जिस दिन से तुमने वो घर वो शहर छोड़ दिया, मैंने भी वो घर वो शहर सब कुछ छोड़ दिया। पुलिस में नौकरी तो एक बहाना था तुम्हारी तलाश का। क्या? हाँ करिश्मा, जब जब भी तुम मुझे मिली, तुमने मुझे अपनी सफाई का मौका ही नहीं दिया। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है करिश्मा, और मरते दम तक करता रहूंगा। मुझे तुझसे कितना प्यार है, मुझे तुझसे कितना प्यार है, ये तुझको मालूम नहीं। मुझे पल पल तेरा इंतजार है, मुझे पल पल तेरा इंतजार है, ये तुझको मालूम नहीं। मुझे तुझसे कितना
मुझे तुझसे कितना प्यार है ये तुझको मालूम नहीं मुझे पल पल तेरा इंतजार है ये तुझको मालूम नहीं मुझे तुझसे कितना प्यार है तेरा इंतजार है कितना प्यार है तेरा इंतजार है कितना प्यार हो तुम चलो मैं राजू को लेकर आता हूं सच हाँ सच लेकिन मेरे आने तक कॉफी तैयार रहेगी पक्का हाँ बाय
चंदास उर्फ चन्नी थी और गुरु का नाम राघवन। उम्र 45 साल, कद 6 फीट, रंग सांवला। जुर्म चोरी, डकैती, कत्ल, बच्चों के अगवा और काले जादू का माहिर। 14 दिसंबर की रात को पुलिस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर यादव के हाथों ग्रीन कार्ड स्टोर खिलौनों की दुकान में मारा गया। मैं भी आपके साथ चलूं। खोटे, तुम राजू का ख्याल रखो, ओके? उसका ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं सर, आपका ख्याल कौन रखे? ओह शट अप। सर, जब से ये बच्चा पुलिस स्टेशन में आया है, न जाने मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। मेरा ख्याल कौन रखेगा? करिश्मा, 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 थैंक गॉड, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लेकिन तुम्हें क्या हुआ? और राजू कहाँ है? राजू बिल्कुल ठीक है करिश्मा, और वो पुलिस स्टेशन में है। उसे क्यों नहीं लाए? उसे ही लाने जा रहा था करिश्मा, लेकिन लेकिन गुड़िया ने मुझ पर भी अटैक कर दिया। क्या? हाँ करिश्मा, तुम्हारी जिस बात को मैं हमेशा मजाक समझता रहा, वो मजाक नहीं, वाकई हकीकत है। वो गुड़िया गुड़िया नहीं है करिश्मा, कुछ और ही है। लेकिन क्या है वो? यही जानने के लिए तो मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहां मैंने उसी तांत्रिक की फाइल देखी और एक अजीब सी बात महसूस की। वो ये कि तांत्रिक और गुड़िया का एक ही नाम है, जन्नी। लेकिन असलियत क्या है वो हमें सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है। कौन? तांत्रिक का एक साथी, उसका गुरु। इससे पहले कि ये पापी गुड़िया कुछ और तबाही मचाए, हमें उसके साथी को तलाश करना होगा करिश्मा। लेकिन कहाँ तलाश करें, कहाँ? मैं जानता हूँ करिश्मा, चलो मेरे साथ, कम ऑन। करते हैं लोग हमें क्यों बदनाम।
बहुत देर लगा दी राघवन। मैं तुम्हारा दोस्त चरणदास चन्नी। चन्नी? हाँ, तुम्हारी ही सिखाई हुई विद्या का जीता जागता सबूत। मगर तुम तो? मैं तो मरकर भी जिंदा हूं इस गुड़िया के बेजान शरीर में। मगर आज एक अजीब सी बात हुई। आज एक हरामखोर पुलिस ऑफिसर ने मुझ पर गोली चलाई। पहली बार मुझे दर्द का एहसास हुआ और फिर इस गुड़िया के बेजान शरीर से खून निकला। मैं पूछता हूं क्यों? हाँ, क्योंकि गुड़िया का शरीर अब इंसान के शरीर में बदल रहा है। नहीं राघवन, तुम फंस गए, खुद अपने जाल में फंस गए। गुड़िया का ये शरीर खुद तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन गया है। तुम मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालोगे? मैं? हाँ राघवन, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं चन्नी। हमारी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमारी सिखाई हुई विद्या का गलत इस्तेमाल किया तुमने। मैंने तुम्हें शिक्षा अच्छाई के लिए दी थी, मेरी बरसों की तपस्या और दोस्ती का खून किया है तूने। तुम अपनी एक गलत चाल से सारी बाजी हार गए चरणदास। वाकई तुम उस्ताद हो राघवन, लेकिन बेवकूफ। तुमने अपने बचाव के लिए रखा हुआ दाव भी मुझे सिखा दिया था, अपनी मौत का राज भी तुमने मुझे बता दिया था। ये पुतला मुझे दे दे। दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे शरीर से बाहर निकलने का राज बताओगे तब। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं चाहिए। लो, नहीं चली। ये लो, चली। मेरे लिए बहुत आसान है इस पुतले का जोर जोर तोड़ना राघवन। भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। बात जल्दी बताओ वरना। ठीक है, मैं बताता हूं। तुम सिर्फ उसी शख्स के शरीर में जा सकते हो जिसे तुमने सबसे पहले अपनी असलियत बताई हो। अच्छा है, मैं फिर से एक बच्चा बनकर जीऊंगा। 10-11 साल का बच्चा। बच्चा? हाँ, राजू के शरीर में जाकर मैं फिर से एक बच्चा बन जाऊंगा।
बच्चा बन जाऊंगा। बच्चा मैं एक बच्चा। रिश्मा तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूं। ठीक है। उसे बचाओ राघवन। चन्नी राघवन, राघवन क्या हुआ? आप कौन? मैं इंस्पेक्टर विजय हूं। उसे बचाओ। किसे? 10-12 साल के बच्चे को, राजू को। उस राक्षस से बचाओ, उस चन्नी से बचाओ। मगर कैसे बचाऊं? चन्नी को मारना मुमकिन नहीं है। नहीं, वो मर सकता है। कैसे? उसके अंदर इंसान का दिल धड़क रहा है। उसे खत्म कर दो विजय। कल सुबह होने से पहले उस गुड़िया के अंदर इंसान का दिल धड़क रहा है। आगे बोलो राघवन, आगे बोलो। राघवन चन्नी, तुम? हाँ, मैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे अकेले डर लग रहा था। अब तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। लेट जाओ राजू, लेट जाओ। ताम ताम धी ताम मेरे ऊपर चलाना। ये तुम क्या कर रहे हो चन्नी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ दो। राजू, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्यों? कि अगर तुम्हारा शरीर नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बचाओ, बचाओ। अंकल, अंकल बचाओ, अंकल बचाओ, वो गुड़िया। अरे तू आदमी की औलाद है किसी भूत प्रेत की? तू बाहर कैसे आया? चाबी तुम्हारे पास है? चाबी कहाँ? चाबी गुड़िया के पास है। गुड़िया के पास? गुड़िया किधर है? उधर वहाँ। चलो अभी देख लेते हैं। नहीं, वो मार डालेगी। अरे कोई किसी को नहीं मारता, चल मेरे साथ। गुड़िया, गुड़िया मुझे बेवकूफ बनाता है, गुड़िया मार डालेगी। किधर है गुड़िया, बता मुझे। इधर, आपको सुने भी नहीं देता क्या? इधर। अरे खून, खुदे साथ तो खून गया। अरे कोई है? राजू ने बड़ी बुरी तरह से मारा हुई। राजू ने? कहाँ है राजू? वो तो भाग गया साहब, मगर खोटे साहब की लाश अंदर ही पड़ी है। जरूर यही आना होगा करिश्मा।
करिश्मा चलो।
इस पापी ने गुड़िया का रूप धारण करके ये सोच लिया था कि इसका खेल कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कुदरत के खेल इससे भी निराले हैं करिश्मा। भला शैतान कभी भगवान से जीत सकता है? नहीं,